अभी जैसे गल्ला दे रही है, मकान दे रही है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे रही है, 1,000 रुपये देगी, लेकिन जब हम लोगों के, आप लोगों के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो तो उसी चीज़ पर डिपेंड रहेंगे। तो शिक्षा जरूरी होनी चाहिए, तो शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है, क्या मानते हैं? शिक्षा यहाँ जब उज्ज्वला गैस तो दे दी मोदी, उज्ज्वला गैस जो 700 को भराता था, 500 को भराता था, आज के डेट में 1100 को भरा रहा है, तो इन गरीब कहाँ से 1100 रुपया ले आके उज्ज्वला गैस भर के या कार करेंगे? तब मोदी ने तो हिसाब बनाया कि हमने दे दिया, मगर 1100 रुपया कहाँ पावे महीना में, अब हरवा में मजदूरी आप लोग को मिल जाती है, मजदूरी मिलती है? मजदूरी काम है नहीं लागे तो कहाँ पाई मजदूरी? मजदूरी कहीं नहीं, तो जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है यहाँ? खेती बाड़ी हो गया इसे मनाई, खेती बाड़ी तो अधिया तिहरा, अधिया तिहरा का मनाई बोली तो खानी दुखानी पे आ गया, तो हिंद में पेट मनाई चला रहे हैं। अब का कर है मनाई, उनके पास पैसा है कि माने गैस भरा, गैस भरा में जा। पहले 400 रुपये सिलेंडर रहता था तो खूब आंदोलन होते थे, अब 1150 हो गए हैं, कोई नहीं बोलता। 1150 हो गया तो कहाँ काहे में भरवा दे, जब हम मजदूरी करें कब मजदूर को पूछते नहीं है, जब मजदूरी करें काम नहीं है तो का कर ले? ए, कितने बार सिलेंडर भरवाए होंगे जब से मिला आप लोग? हम सिलेंडर लाए नहीं है, तो का बताए, हम नहीं, हमको नहीं, हम लेबा नहीं, लिए नहीं, नहीं लिए। अभी भी लकड़ी से ही, वही लकड़ी से गुजर, लकड़ी भराए बिना पड़े हैं, कितने बार भराए होंगे? अरे दो तीन दर की भराने वैसे पड़े हैं वही क्या, लेकिन अब भराने की जो है तो वही इतनी कीमत बढ़ती जा रही है, तो जब आप कोई कमाई नहीं पा में तो कहाँ से भर रहे बताइए। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर के, और सरकार की नीतियों की जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो वो यही हकीकत है जो आप इस गाँव में देख रहे हैं, जो ऐसे कई गाँवों में देखते हैं अपने चारों तरफ, और जो हम दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि सरकारें योजनाएं बनाती हैं, वहां से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, वो आते आते कहीं गरीब की झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते कहीं अटक जाया करती हैं। संसद में बैठ करके जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, वहां संसद में बैठकर बड़ी बहसें होती हैं देश के विकास के लिए, देश के गरीबों के लिए, लेकिन गरीबी की हालत जस की तस बनी हुई है, गरीब जस के तस बने हुए हैं। हर 5 साल में जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और लोगों को लोक लुभावने वादे करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव हो जाते हैं कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन गरीबों की हाल खबर लेने के लिए अगले 5 सालों तक कोई भी नहीं आता है। अगर आपकी भी यही समस्याएं हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके क्षेत्र में आकर के आपकी समस्याओं से रूबरू होने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस बार के जो नवम्बर में चुनाव होने वाले हैं तो इन चुनावों में हर बार की तरह लोग आएंगे, लोग वोट मांगेंगे, लेकिन आपको भी यह तय करना है कि आप उचित उम्मीदवार का चयन करें, ऐसे उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें जो कम से कम आपके हक की आवाज़ को संसद में, विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश कर सके और आपके जीवन स्तर और आपके आसपास के क्षेत्र के विकास में सहयोगी बन सके। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।